जय माता दी। दोस्तों, जिस तरह ईश्वर ने इंसान को बनाया उसी तरह भगवान ने जीव जंतु को बनाया। ये कई जीव जंतु बड़े ही शुभ फल देने वाले होते हैं। उनकी देखभाल और उन्हें भोजन कराने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं वो जानवर जिनको भोजन कराने से लाभ मिलता है। पहला, चींटियां। चींटियां दो प्रकार की होती हैं, लाल और काली। लाल चींटी जहां अशुभ फल देती है, वहीं काली चींटी शुभ फलदायक होती है। काली चींटी को भोजन कराना बहुत ही फलदायक होता है, इसलिए समय समय पर काली चींटियों को भोजन कराएं। क्या कराएं भोजन? भोजन के रूप में आप काली चींटियों को आटा बुरा भी खिला सकते हैं, या किसी सूखे गोले में आटा और चीनी मिलाकर किसी खाली जगह पर गाड़ दें। आप काली चींटियों को गुड़ भी खिला सकते हैं। चींटियों को भोजन कराने से बुरे बंधनों से मुक्ति मिलती है, साथ ही चींटियों की दुआ के असर से हर मुश्किल से बचाव होता है। साथ ही चींटियों को आटा खिलाने से कर्जे से मुक्ति पाने के रास्ते भी खुलते हैं। वैसे तो लाल चींटियां अशुभ मानी जाती हैं, पर यदि वे मुंह में अंडे पकड़कर लाइन में जा रही हों तो उन्हें देखना शुभ होता है। दूसरा, गाय। गाय को माता के समान माना जाता है, इसलिए गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ फल देता है। क्या कराएं भोजन? घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए निकालें और नियम से गाय को खिलाएं। इस कार्य से आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा, गाय को हरा चारा खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, परंतु यदि आप बुधवार के दिन ये कार्य करते हैं तो लाभ दुगना होता है। विवाह संबंधित परेशानी के निवारण के लिए आप गाय को गुड़ और चना भी खिला सकते हैं। तीसरा, कुत्ता। कुत्ता एक वफादार जानवर है, इसके साथ ही ये कई परेशानियों से हमें बचाता है। क्या कराएं भोजन? घर में बनने वाली आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और नियम से कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके दुश्मन से मिलने वाला कष्ट कम हो जाएगा। कुत्ते को दूध पिलाकर भी आप अपने जीवन के कष्ट को कम कर सकते हैं। चौथा, कौआ। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए कौए को भोजन कराएं। क्या कराएं भोजन? कौए को रोटी देने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। कौए को खीर खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप चाहें तो खीर के साथ पूरी भी खिला सकते हैं। कौए को आटे का चूरमा खिलाने से घर में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप कौए को दाना भी डाल सकते हैं। इसके साथ व्यापार और नौकरी में तरक्की पाने के लिए पक्षियों को दाना भी डाल सकते हैं। मछलियों को आटा डालने से या आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से सफलता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताई वो जीव जंतु जिन्हें भोजन कराने से लाभ मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।